जी नमस्ते सभी को। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? तो प्रकृति की व्यवस्था, मानव की भागीदारी, इस पर बात करने वाले हैं। तो प्रकृति को देखें तो चार अवस्थाओं में दिखाई देता है। प्रकृति इकाई समूह है, कई इकाइयों का समूह है, और इन इकाइयों को जब अध्ययन करने जाते हैं तो दिखता है इनके रूप और गुण में विविधता है। धरती पे अनेक तरह की इकाइयां हैं और हर एक इकाई का रूप और गुण अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है, परंतु जब इनको हम अध्ययन करते हैं, इनके हम तत्व को देख पाते हैं, इनके हम व्यवस्था को देख पाते हैं, इनके स्वभाव को देख पाते हैं, तो चार अवस्थाओं में ये सारी इकाइयां दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से इन सारी इकाइयों को कैटेगराइज किया गया है। एक अवस्था है पदार्थ अवस्था, जिसमें मिट्टी, धातु, अधातु, हवा, पानी, इस तरह की इकाइयां हैं। दूसरी अवस्था है प्राण अवस्था, जिसमें पेड़ पौधे हैं। तीसरी अवस्था है जीव अवस्था, जिसमें पशु और पक्षी हैं। और चौथी अवस्था ज्ञान अवस्था, जिसमें हम सभी हैं। आप सभी वर्कशॉप किए हैं तो सबको इसके बारे में संक्षेप में परिचय तो है, परंतु इसके आगे हम लोग कुछ और मुद्दों पे अभी विश्लेषण करेंगे, जांच परख करेंगे। तो देखते हैं तो दिखता है कि पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के बीच में परस्पर पूरकता है। परस्परता है यानी साथ साथ जुड़े हुए हैं, और पूरकता है यानी एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे के लिए पूरक है। और इसमें चक्रियता भी दिखाई देती है। तो पर प्राणावस्था को जो पोषण मिल रहा है पदार्थ अवस्था से मिल रहा है, और पदार्थावस्था को प्राणावस्था पुष्ट कर रही है, पहले से बेहतर बना रही है। जैसे जहां पर मिट्टी है वहां पेड़ पौधे ज्यादा अच्छा उगेंगे, और जहां पेड़ पौधे ज्यादा अच्छा उगेंगे वहां मिट्टी पहले से ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, पानी का तल ज्यादा ऊंचा हो जाता है। इस प्रकार से इनमें एक पूरकता दिखाई देती है। वैसे अगर हम पशु पक्षियों को भी जोड़कर देखें तो वहां भी एक पूरकता दिखाई देती है। पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए पूरक हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए पूरक हैं, और वैसी पूरकता हमें मिट्टी, हवा, पानी के साथ भी दिखाई देती है। तो पशु पक्षी अपना आहार पेड़ पौधों से लेते हैं, और इनका जो वर्ज्य पदार्थ होता है वो वापस मिट्टी में जाता है। उस मिट्टी में पेड़ पौधे ज्यादा पुष्ट होकर तैयार होते हैं। अगर हम एक जंगल को देखें तो ये पूरकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जंगल में पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, और सभी एक दूसरे के लिए पूरक बने रहते हैं। जंगल हरा भरा बना रहता है। पूरे जंगल में देखेंगे तो चक्रीयता दिखाई देगी और इकाइयों की आपस में पूरकता दिखाई देगी। परंतु जब हम इनके साथ जुड़ते हैं तो कहीं कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो हमें दिखता है कि ये सारी अवस्थाएं हमारे लिए तो पूरक है। हम अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पदार्थ का भी प्रयोग करते हैं, प्राण अवस्था इकाइयों का भी प्रयोग करते हैं, और पशु पक्षियों से भी हमें बहुत कुछ उपलब्ध होता है। ये हमारे लिए पूरक है। हमें मकान बनाना हो, हम पदार्थ अवस्था का प्रयोग करते हैं। भोजन के लिए हम प्राण अवस्था का प्रयोग करते हैं। जहां हमारा शरीर का बल कम पड़ जाता है हम जीवों का प्रयोग करते हैं। परंतु जब हम इनके साथ अपने जीने को देखते हैं तो दिखता है कि अभी हमने मिट्टी, हवा, पानी को खराब कर दिया है, पेड़ पौधों को हमने उजाड़ दिया है, जंगल का जो प्रतिशत है धरती पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी अमेजन फॉरेस्ट में लंबे समय से आग लगी हुई है और धीरे धीरे वन समाप्त हो रहे हैं, उसी तरह से वनों को काटा जा रहा है जगह जगह। और पशु पक्षियों को देखें तो उनका भी हम शोषण कर रहे हैं। शिकार के नाम पर हमने कई सारे पशुओं की प्रजाति ही लगभग लुप्त प्राय कर दी है। जिस प्रकार से हमारा जीना हो रहा है, शहरों में बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां लुप्त तो होती जा रही हैं। इस पे पहले भी बात हुई है, इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। तो ये दिखता है कि हमारा जो जीना है इन सब के साथ, अभी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसमें पूरकता दिखाई नहीं देती। तो हम इन बाकी तीन अवस्थाओं के लिए पूरक नहीं हो पा रहे, और आपस में भी एक दूसरे के लिए पूरक नहीं हो पा रहे। हम युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में हम मनुष्यों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने के क्रम में हम मिट्टी, हवा, पानी को भी, पेड़ पौधे को भी, पशु पक्षी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, अगर आप उसका पूरा विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे इसमें कितना क्षति हुआ है। मानव की क्षति भी हुई है और इन बाकी तीन अवस्थाओं की भी क्षति हुई है। तो ये तो हमें दिखाई देता है कि हमारी सहज स्वीकृति है कि हम इन बाकी तीन अवस्थाओं के लिए पूरे पड़े, हम इनके लिए पूरक हों। तो जैसा भी हम जी रहे हैं हो सकता है वो हमारी सहज स्वीकृति ना हो। कई बार बात होती है कि जैसा मैं हूँ और जैसा होना मुझे सहज रूप से स्वीकार है, इन दोनों में गैप दिखाई देता है। तो हमारी सहज स्वीकृति तो यही कि हम तीनों के लिए पूरे पड़े, इनके पूरक हो जाए। परंतु हमको ऐसा लगता है कि हमारी आवश्यकताएं तो अनंत है और ये सब साधन सीमित है, और यदि अनंत आवश्यकताओं को इन सीमित साधनों से पूरा करना होगा तो आपस में भी संघर्ष करना होगा और इन सबका दोहन शोषण करना होगा। और इस तरह से हम आपस में भी संघर्ष कर रहे हैं, इन सबका दोहन शोषण कर रहे हैं,
खुद भी दुख में है और हम इन सब बाकी को भी क्षीण बनाए हुए हैं, कमजोर बनाए हुए हैं, धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं, परंतु हमारी सहज स्वीकृति ये नहीं है। एक बार हमारे अंदर सही समझ, सही भाव इंश्योर हो जाए, जिसके लिए अभी हम इस मीटिंग में भी एकत्र हुए हैं, हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं, सुबह के सत्र में भी जुड़ रहे हैं, अपने आप में अध्ययन कर रहे हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, धरती पे कई प्रकार से लोग कई जगहों पर इस प्रयास में है कि सही समझ सही भाव इंश्योर हो जाए। तो अगर हम एक बार अपने अंदर इन चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हम इनके लिए पूरक हो पाते हैं, हम अपने आप में भी एक दूसरे के लिए पूरक हो पाते हैं, ज्ञान अवस्था की इकाइयाँ एक दूसरे के लिए पूरक हो पाती हैं, और हम इन बाकी तीनों अवस्थाओं के लिए पूरक हो पाते हैं। इसको हम देख सकते हैं कि अभी हम इसको कितना पूरा कर पा रहे हैं। हम व्यक्तिगत स्तर पर देख सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर हमारा मानव के साथ जीना भी किस प्रकार से, हम कितना पूरक हो पा रहे हैं, और हम इन सब अवस्थाओं के लिए भी कितने पूरक हो पा रहे हैं। हमारे जीने से पदार्थ अवस्था पहले से ज्यादा खराब हो गई है, क्षीण हो गई है, उसमें कमी आती जा रही है, या पहले से बेहतर होती जा रही है। पेड़ पौधे पहले से ज्यादा कम, पहले से ज्यादा क्षीण होते जा रहे हैं, विरल होते जा रहे हैं, या पहले से ज्यादा पुष्ट होते जा रहे हैं। ऐसी पशु पक्षियों को क्या हालत है, तो हम एक व्यक्तिगत स्तर पर देख सकते हैं, फिर परिवार के स्तर पर देख सकते हैं, और जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ कई परिवार साथ साथ रह रहे हैं, उनके साथ जीने को भी जोड़कर हम देख सकते हैं। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ वाटर टेबल पहले से ऊंचा हुआ या नीचे चला गया, वहाँ पेड़ पौधों की संख्याएं बढ़ी हैं या संख्याएं घट गई हैं, वो पक्षी जो आज से 20 साल पहले दिखाई देते थे अब दिखाई देते हैं कि नहीं, वो पशु जो पहले 20 साल पहले दिखाई देते थे अब दिखाई देते हैं कि नहीं, इन सब चीजों का हम अपने आप में एक आकलन कर सकते हैं। अब इन चार अवस्थाओं को और अध्ययन करेंगे तो दिखता है कि जो पदार्थ अवस्था है उसमें सिर्फ पहचानना और निर्वाह करना है। पहचानना निर्वाह करना मतलब इनमें एक निश्चित संबंध बना हुआ है, संबंध के आधार पर पहचानना और निर्वाह करना होता है। तो जैसे कोई धातु है, वो दूसरे धातु से रिएक्ट करता है, दूसरी धातु के साथ एक धातु का एक संबंध बना हुआ है, जब उस ताप और दाब पे पहली धातु को रखा जाता है, दूसरी धातु को रखा जाता है, तो उनमें रिएक्शन होता है। तो हम मेटल से अलॉय बना लेते हैं, है ना, हम कंपोजिट मटेरियल्स बना लेते हैं, हम ईंट पर ईंट जोड़कर मकान बना लेते हैं कि नहीं, तो ईंट और ईंट का आपस में संबंध बना हुआ है। ईंट को जब एक निश्चित प्रकार से ईंट के ऊपर रखते हैं तभी वो मकान बन पाता है, अगर उस प्रकार से न रखा जाए तो हो सकता है कि मकान सीधा ना बने, तिरछा बनेगा और टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो एक निश्चित संबंध है, ईंट का धरती के साथ एक निश्चित संबंध है। यहाँ पे एक निश्चित संबंध के आधार पर पहचाना निर्वाह करना हो रहा है। पेड़ पौधों को देखें तो पेड़ पौधों में भी एक निश्चित प्रकार से पहचाना निर्वाह करना हो रहा है। पेड़ पौधों का हवा के साथ एक संबंध है, पानी के साथ संबंध है, मिट्टी के साथ संबंध है, उसको पहचान रहे, निर्वाह कर रहे हैं। पेड़ पौधों में हम पानी डालते हैं, पौधा पुष्ट होता है, बट एक सीमा से अधिक पानी डाल देते हैं, पौधा गल जाता है। पानी के बजाय एसिड डाल देते हैं, पौधा गल जाता है कि नहीं, पानी में नमक ज्यादा मिला के डाल दीजिए, पौधा खराब हो जाता है, थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, हो सकता है पौधा पुष्ट हो जाए, पौधे की बनावट के ऊपर निर्भर है। तो जिस प्रकार से उसका संबंध बना हुआ है दूसरी का, वैसा पहचानता निर्वाह करता है। इतिश्री जी, इतिश्री जी, जीवावस्था को देखें तो जहां पे पशु पक्षी हैं वहां पे अपने को दिखाई देता है कि यहाँ मानना भी है और फिर पहचान और निर्वाह करना है। तो मुझे लगता है ये बात हम सबको स्पष्ट है कि पशु पक्षियों को देखें तो वहां एक मैं है और एक शरीर है। जैसे हम एक पशु को घर में लाते हैं, उसे एक नाम दे देते हैं, हमें नाम दे दिया शेरू, फिर उसे हम बुलाते हैं बार बार, वो नहीं आता, फिर हम उसे कुछ खाने पीने को देते हैं, उसे गोद में रखते हैं, सहलाते हैं, तो उसके अंदर एक मानना हो जाता है कि शेरू शब्द से मेरा कुछ संबंध है, और वो दौड़ के फिर हमारे पास आता है। कोई दूसरा व्यक्ति होता है यही नाम बोलता है तो उस पर भौंकता है, हम बोलते हैं हमारे पास आ जाता है। ऐसा पौधों के साथ नहीं होता, ऐसे कुर्सी टेबल के साथ नहीं होता, मगर जीवों के साथ होता है। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि एक मानने की क्रिया है। मानने की क्रिया कहाँ है, सेल्फ में है, शरीर में तो है नहीं, और ये भी तब हमको स्पष्ट होता है जब हम अपना अध्ययन करते हैं। तो जो मैं की पहचान है वो मानने की क्रिया है, वो तो किसी इकाई में मैं है कि नहीं, चैतन्यता है कि नहीं, उस बात से दिखता है कि उसमें मानने की क्रिया है कि नहीं। शरीर का अध्ययन करते तो शरीर में एक अंग दिखाई देता है जिसे मेधस कहते हैं,
जैसे हम अपने आप को भी देखते हैं तो वहां मेधा शरीर में दिखाई देता है, जिसके माध्यम से मैं शरीर के साथ निर्वाह करता हूँ, तो सेल्फ और बॉडी दिखाई देता है। मनुष्य की वो देखते हैं ज्ञान अवस्था की आयु को देखते हैं, तो वहां मानना है, पहचानना, निर्वाह करना है, साथ में जानने की क्षमता भी है, जानने की संभावना भी है। तो जैसे अभी हम आपस में संवाद कर रहे हैं, किस अर्थ में कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर जानने की क्रिया जागृत हो जाए, हमारा जानना हो जाए। तो ये चार अवस्थाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब हम इन चारों अवस्थाओं को जानने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम इन अवस्थाओं के आपस में संबंध क्या है, इन अवस्थाओं की स्वयं में व्यवस्था क्या है, इन सब चीजों को जानने का काम कर रहे हैं। ये जानने की संभावना हम में तो है, पशु पक्षियों में नहीं है, पेड़ पौधों में नहीं है ना, मिट्टी हवा पानी में नहीं है। तो ये आपको दिखाई देगा कि बाकी तीन अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए ज्ञान अवस्था यानी मनुष्य को समझना जरूरी है। मनुष्य को ठीक ठीक समझ पाते हैं तभी इन बाकी तीन अवस्थाओं को समझ पाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं इनका अधिमूल्यन या अवमूल्यन होता जाता है। अगर हम मानव को ना समझ पाए तो हो सकता है पशुओं का अधिमूल्यन कर लेते हैं, मानव को नहीं समझ पाते तो मानव के साथ संबंध पूर्वक नहीं जी पाते हैं। तो मानव का तो हम शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, बट हम पशुओं को इस तरह से पाल रहे हैं, है ना, और उन पे हम कोई आँच भी नहीं आने देते, तो हमने कहीं ना कहीं, है ना, मानव का अवमूल्यन कर लिया, इनका अधिमूल्यन कर लिया। कभी हम पेड़ पौधों का अधिमूल्यन कर लेते हैं, तो एक पेड़ के लगाने या हटाने के लेकर हम युद्ध कर लेते हैं, आपस में संघर्ष हो जाता है। नहीं, तो अगर हम इनको ठीक से ना समझे, अगर हम मानव को ठीक से ना समझे तो हम इनको भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और फिर इनके साथ हमारा निर्वाह ठीक नहीं होता, अधिमूल्यन होता रहता है, अवमूल्यन होता रहता है, या अदरवाइज होता रहता है। और अपने आप में देखें तो एक मेजर जो अदरवाइज इवैल्यूएशन है वो ये है कि हम अपने आप को शरीर मान के जीते हैं। अगर अपने आप को शरीर मान लिया तो इनको भी शरीर मान लिया, पशु पक्षी को शरीर मान लिया, फिर वैसे हम पेड़ पौधों को भी देखते हैं, फिर हमको लाइफ भी क्लियर नहीं होता। तो आज की जगह मेडिकल साइंस में देखें या जो प्रचलित मान्यता विज्ञान में बनी हुई है, तो लाइफ का मतलब क्या है ये क्लियर नहीं है। तो कहाँ लाइफ है, कहाँ लाइफ नहीं है, ये क्लियर नहीं हो पाता। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, कि पेड़ पौधों में लाइफ है कि नहीं, क्या कहेंगे, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या लगता है पेड़ पौधों में लाइफ है कि नहीं? जी, कई लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है कि पेड़ पौधों में लाइफ है। ठीक है, लाइफ किसको कहेंगे? जी, लाइफ किसको कहेंगे? सांस लेने को, ग्रोथ को लाइफ कहेंगे? नमस्ते, जी कुमार भैया, नमस्ते सभी को। बहुत ही बहुत ही मतलब मुझे आज क्या बोलते हैं, अच्छा ही हो गए। सवेरे भी आपको सुन लिया और अभी भी सुनने का मौका मिल रहा है। तो भैया, जैसा डिस्कस हुआ है तो पेड़ में लाइफ है ऐसा आप मानते हैं, लेकिन वो पेड़ चल फिर तो नहीं सकता, वो सोच तो नहीं सकता, तो फिर उसको लाइफ कैसे मान लेंगे? जी, तो लाइफ है कि नहीं है कैसे तय होगा? पेड़ पौधों में लाइफ है कि नहीं है कैसे तय होगा? लाइफ हाँ मतलब मतलब जीना, जीवन। जीवन तो है, ये तो अपनी पुरानी खोज है, जगदीश चंद्र बसु ने जो साहब ने जो बताई है कि पेड़ में जान तो है, लेकिन वो नहीं। भैया थोड़ा आप बताएंगे अच्छा रहेगा। थैंक यू। जी भैया, जी जी भैया, जी भैया, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरा मानना है कि उनमें ग्रोथ तो है, ग्रोथ है, पर उनने उनको समझ नहीं है कि अजम्पशंस नहीं है और ये चीज नहीं है, पर लाइफ में सर कंफ्यूजन है सर, मेरे को भी ये क्लियर नहीं हो रहा। जी, इससे बात करेंगे अभी। जी भैया, हम ऐसे इस आधार पर हम कह सकते हैं पेड़ पौधों में लाइफ नहीं है, क्योंकि उनमें पहचानना और निर्वाह करना ही हो रहा है। मानना और जानना जो सेल्फ की क्रियाएं हैं, चैतन्य की क्रियाएं हैं, वो उनमें नहीं है। इसलिए उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं या जो मटेरियल ऑर्डर हैं उसमें लाइफ नहीं है। उसमें पहचानना और निर्वाह करना ही है, वो उसके गुण में ही आता है, जो कि उसका गुण या स्वभाव में ही कह सकते हैं, लेकिन उनमें वो नहीं है, सेल्फ नहीं। सेल्फ नहीं है? जी, अगर जी भैया, सेल्फ नहीं भैया है तो लाइफ है कि नहीं? जो मानना नहीं है भैया, नहीं है, तो हम लाइफ किसे कह रहे हैं देखना जरूरी है ना। तो अगर लाइफ को लाइफ हम जीवन कहें, जीवन, जीना कहें, बट इसको अभी ओपन रखते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं। जी हाँ भैया, मेरा जो क्वेश्चन मॉर्निंग में था उसे रिलेट करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा वापस।
मैंने कहा कि तो पहचानना और निर्वाह करना है बायो ऑर्डर में या फिजिकल ऑर्डर में, वो निश्चित रहता है। आपने बोला कि परस्परता में जो प्रभाव है वो चेंज भी होता है, वो उनकी तरफ से तो निश्चित रहता है, अब वो परस्परता में जो प्रभाव है सामने किससे, वो किसके प्रभाव में आ रहा है, किसके साथ परस्परता हो रही है, लेकिन उसका पहचानना निर्वाह करना तो वैसा ही चल रहा है, वो तो अनवरत है उसके अंदर, वो निश्चित है उसके अंदर। ये गुण को लेकर कल सुबह फिर बात करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, है ना, फिर वो परस्परता प्रभाव लेकर बात करेंगे ना। वैलिड क्वेश्चन है बट कल इसको लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा इशू कुछ और है। जी जी भैया जी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी सर, मेरा ये मानना है कि पेड़ पौधों में जीवन है क्योंकि वो वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं जैसे मनुष्य लेता है, बट चेतना उनमें नहीं, मतलब सोच समझ नहीं है जिसको अपन बोल सकते हैं, वो सोच समझ नहीं सकते, स्व की जो आत्म अनुभूति जो अपन करते हैं वो पेड़ पौधों में नहीं होती। तो जीवन किसको कहेंगे, लाइफ किसको कहेंगे, लाइफ को हिंदी में क्या कहेंगे, जीवन कहेंगे कुछ और कहेंगे? जीवन बोलेंगे, तो जीवन तो उनका भी होता है, मेरा मानना है मतलब ऐसा जीवन उनका भी है, पर वो जो चेतना है जो मतलब विचार कर सकते हैं, समझ जिसको अपन बोल सकते हैं, वो उनमें नहीं होती। पशुओं में समझ है कि नहीं? समझ, स्व की समझ में से तो वो अपने लेवल में, वो अपना जीवन भी जीते हैं तो उनमें भी समझ होती है कि क्या करना है उनके लिए भी, क्या खाना क्या नहीं खाना है, वो सोच समझ सकते हैं अपने लिए, वो अपने लिए सोच सकते हैं, बट मनुष्य जिस तरह से सोच सकता है वो नहीं होता है, मतलब अच्छा बुरा या पूरा मतलब समुचित विश्व के बारे में, प्रकृति के बारे में जिस तरह मनुष्य सोच सकता है, इंडिविजुअल ना पेड़ पौधे सोच सकते हैं ना अपने आप में जानवर या जीव जंतु सोच सकते हैं। जी ठीक है, अभी और उसपे देखते हैं। मुझे लगता है कि जीवन है पौधों में क्योंकि उसमें पहचानना और निर्वाह करना है, और तभी ऐसा होता है कि पौधे मिट्टी को पहचानते हैं और संबंध बना पाते हैं और साथ में प्रगति कर पाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि जीवन है। जी भैया, अभी तो यही मान के चल रहा हूँ कि श्वसन और प्रश्वसन जो उस क्रिया के हिसाब से जीवन है। जी जी, तो श्वसन प्रश्वसन होना जीवन है, ऐसा ऐसा मुझे अभी तक तो यही लगता है। तय कैसे होगा, कोई कह रहे मेरा मानना है, कोई कह रहे मुझे ऐसा लगता है, ये तय कैसे होगा? जी भैया, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। जो अभी बात आ रही है बीजों की या पेड़ पौधों की, तो इनमें जीवन नहीं है क्योंकि इनमें ना जानने की क्रिया है ना मानने की क्रिया है, ये बीजाणु संगी है और सिर्फ पहचानना और निर्वाह करना दो क्रियाएं जो है वो पेड़ पौधों की हैं। तो ये बात बड़ी स्पष्ट है, और सारी प्रकृति को भी जो चर्चा चल रही है यदि बहुत हम निगाह पसार के देखें तो उसमें यही देखते हैं कि उसकी चक्रियता यदि मुझे समझ में आ जाए तो उसका सब कुछ मनुष्य ही है। मनुष्य जब समझदार बन जाएगा तो वो प्रकृति के साथ भी संबंध और उसकी चक्रियता को समझ पाएगा। इतने ही भैया बात। जी बढ़िया भैया, तो हमें ये समझना बनता है कि जीवन किसको कहेंगे, तो जहां चैतन्य इकाई है वहां जीवन है, जहां चैतन्य इकाई है वहां जीने की आशा है। तो अगर अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर जीने की आशा है, पशु पक्षियों को देखते हैं वहां भी जीने की आशा है, और ये जीने की आशा कहाँ है, चैतन्य इकाई में, मैं में है। पेड़ पौधों को देखते हैं तो वहां कोई जीने की आशा नहीं दिखाई देती, पुष्टि दिखाई देता है, वृद्धि दिखाई देती है, परंतु कोई जीने की आशा नहीं दिखाई देती, इसलिए यही कहना बनता है कि इसमें जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को ठीक ठीक समझना जरूरी है, जीना किसे कह रहे हो समझना जरूरी है। तो जीना मतलब मैं और शरीर, इन दो इकाइयों का सहअस्तित्व है, उसको जीना कह रहे हैं, और जो जीने की आशा है वो मैं में, शरीर के साथ सहअस्तित्व बना हुआ है। अगर पुष्टि को देखें तो पुष्टि जीना नहीं है, पेड़ पौधों में पुष्टि तो है, बढ़ते हैं है ना, उनकी हाइट बढ़ती है, उनके पत्ते बढ़ते हैं, तनाएं बढ़ती हैं, है ना, ये सब बढ़ना हो रहा है, बट वहां कोई भी मैं और शरीर का सहअस्तित्व नहीं दिखाई देता। कैसे पता लगेगा,
तो देखेंगे तो दिखाई देगा कि वहां कोई मानने की क्रिया नहीं, पेड़ पौधे में कोई मानने की क्रिया नहीं। जिसने उदाहरण दिया छुई मुई का, तो छुई मुई तो एक निश्चित प्रकार से पहचाना निर्वाह करना, जब भी छूते हैं मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी के लिए वो कहता है हाँ भाई तुम मुझे बहुत पसंद हो तुम्हारे लिए खिले रहेंगे, और तुम मुझे पसंद नहीं हो तो सिकुड़ जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है, कोई मान्य क्रिया है नहीं। ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप किया है, UHV2 भी हम में से कई साथियों ने किया है, हम में से कई साथी मॉर्निंग सेशन में जुड़े हुए हैं। परंतु सेल्फ का अस्तित्व कहाँ है कहाँ नहीं है, अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आगे बातें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए इस पर ठहर के हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है ना, इसको वेरीफाई करना जरूरी है। अगर नहीं वेरीफाई करेंगे तो बाकी तीनों अवस्थाओं के लिए हम कैसे पूरक होंगे कभी तय नहीं सकता। और उसमें कठिनाई ये है कि हम फिर यहाँ पे अधिमूल्यन या अवमूल्यन करते हैं। अब हमने कह दिया कि पेड़ पौधों में जीवन है, उसका अधिमूल्यन कर लिया, उसको हमने पशु पक्षियों के समकक्ष रख दिया, उसके बराबर रख दिया, अपने बराबर रख दिया। अब हमको भोजन लेना है, कहाँ से लेंगे, पेड़ पौधों से तो लेते ही हैं भोजन। फिर एक ये बात आती है कि जब पेड़ पौधों से ले सकते हैं वहां जीवन है, पशुओं से क्यों नहीं ले सकते? फिर अगर पेड़ पौधों को मार सकते हैं तो पशुओं क्यों नहीं मार सकते? पेड़ पौधों को काट सकते तो पशुओं क्यों नहीं काट सकते? अब अगर ये बेसिक कंफ्यूजन बना हुआ है तो आप पशु पक्षियों के लिए पूरकता के लिए चाहे जितने भी बातें कहिए, है ना, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बनाइए, नियम कानून बनाइए, अल्टीमेटली उनके साथ हमारी पूरकता हो नहीं पाई, क्योंकि समझना हो नहीं पाया है। और आप देखेंगे कि अभी करेंट जो प्रिवेलेंट साइंस है उसमें ये सारी कन्फ्यूजन बनी हुई है, क्लैरिटी नहीं है सेल्फ को लेकर। इसलिए हमारा इतने वर्षों के इतिहास के बावजूद अपना खान पान भी हम ठीक नहीं कर पाए, हमारा भोजन भी निश्चित नहीं हो पाया, हमें भोजन कहाँ से लेना है कैसे लेना है ये निश्चित नहीं हो पाया। इसलिए ये कुछ मौलिक बातें हैं जी। अभी देखिए बहुत तरह के इसमें तर्क आ रहे हैं, जिनमें जन्म और मृत्यु उसमें जीवन है, इसलिए मैंने उसको स्पष्ट किया है ना कि पेड़ पौधों में देखें तो बीज से पौधा बनता है, पौधा वापस मिट्टी में जाता है। अगर इसको जीवन और मरण कहें तो ये वैसा नहीं जैसा हमारे साथ है। हमारे लिए जीवन और मरण का मतलब क्या हुआ कि मैं और शरीर का सहअस्तित्व बना तो हम जिंदा हो गए, मैं और शरीर का सहअस्तित्व टूट गया छूट गया तो मृत्यु को प्राप्त हुई। ऐसा तो कुछ पौधों में है नहीं। तो इसको हम लोग देखें समझें, अगर नहीं क्लियर है तो इसको और हम लोग वेरीफाई करें, सुबह के सत्र में इसको और डिस्कस करें। कल हम लोग नेचर के पूरे चारों ऑर्डर्स के बारे में और डिस्कशन करेंगे तो ये और बात क्लियर होगी। इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। अदरवाइज बातें सिर्फ उपदेश के रूप में जाएंगी कि हमें पेड़ पौधों को बचा के रखना चाहिए, पशु पक्षियों को बचा के रखना चाहिए, है ना। पर जब भोजन लेना है तो कहाँ से लेंगे तय नहीं है, तो हम पेड़ पौधों का भी शोषण करेंगे, पशु पक्षियों का भी शोषण करेंगे, मिट्टी हवा पानी का भी शोषण करेंगे, खुद भी दुखी दरिद्र रहेंगे, इनको भी दरिद्र बनाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। नमस्कार भैया जी। नमस्ते भैया। क्या भय की क्रिया भी प्लांट में हम लोग ऐसा जीने की चाह तो नहीं है उनमें, पर भय की क्रिया भी नहीं है, इसकी वजह से भी हम लोग सेल्फ को कुछ कैरेक्टराइज कर सकते हैं क्या? क्योंकि जीने की चाहना के साथ साथ भय तो मतलब आ ही जाता है, जैसे जिसको भय नहीं होगा तो उसको जीने की चाहना नहीं होगी, ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करना। मतलब तो ये हुआ कि अगर आप भय मुक्त हुए तो आपको जीने की चाहना नहीं रहेगी? नहीं नहीं, प्लांट्स में ये क्रिया नहीं है इसलिए भी उसमें जीवन नहीं है, क्या ऐसे क्लैरिफाई कर सकते हैं? फिर उसमें क्या ना, फिर भय को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, और भय तो ज्ञान के साथ भी चला जाता है, तो मैं है परंतु भय नहीं है, ऐसा तो हो ही सकता है। जैसे हम अपने आप में देखें तो जितना जितना हमारे अंदर विश्वास का भाव बनता जाता है उतना उतना हम भय मुक्त होते जाते हैं। नहीं तो भय के आधार पर देखने जाएगा तो फिर वो कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए सीधे सीधे देख सकते हैं। अच्छा, माने मोर स्पेसिफिक आंसर इज जीने की चाहना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि प्लांट तो कभी रिएक्ट करते नहीं, अगर आप उनको काटने जा रहे हो या तोड़ने जा रहे हो तो उनमें तो ऐसा भय तो होता नहीं कि कोई मुझे काटने आ रहा है तो मैं किस तरह से रेस्पॉन्ड करूं, तो मुझे वो वाला फैक्टर लग रहा था कि शायद कहीं फियर वाला। तो कई लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि अगर पेड़ पौधों काटने जाते हैं तो एक तरह का वाइब्रेशन दिखाई देता है पेड़ पौधों में, तो वो हो सकता है, वो भी एक पहचाने निर्वाह करने के आधार पर हो सकता है। आप संगीत बजाते हैं तो एक तरह की स्थिति बनती है पेड़ पौधों में, आप कोई बहुत कर्कश आवाज पैदा करते हैं तो अलग तरह की स्थिति बनती है, ये सब पहचाने निर्वाह करने के स्तर पर भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू जी। बढ़िया दीदी। हाँ भैया, अभी जो कहा है कि जीने की आशा दिखाई देती है, जीने की आशा दिखाई देती है या जीने की इच्छा दिखाई देती है, दोनों ठीक है या जीने की आशा ही ठीक है?
देखिए, जीने की आशा तो मिनिमम है जो दिखाई देती है, जीने की इच्छा मानव में दिखाई देगी क्योंकि इच्छा उससे ज्यादा विकसित क्रिया है। अगर हम पशु पक्षियों में देखें तो हो सकता है सेल्फ का उतना विकास नहीं हुआ इच्छा तक, तो जीने की आशा तक ही बने रहते हैं। जी जी, बात आ गई समझ में। जी भैया, अब थोड़ा और मैं एक दो क्वेश्चन रख देता हूँ, अगर हम लोग उसको यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हम ये भी देख लें, जैसे मछलियां हैं उसमें जीने की आशा है कि नहीं, कीट पतंग है जीने की आशा है कि नहीं, कहाँ रखेंगे इसको, पेड़ पौधों में रखेंगे या पशु पक्षी में रखेंगे? कीट पतंगों को, मछलियों को, कीड़े मकोड़ों को कहाँ रखेंगे, क्या लगता है? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी सर। जी बताएं। सर मुझे लगता है सर कि पेड़ पौधों में भी जीवन है और मनुष्य के पास भी जीवन है, क्योंकि मेरी जो अपनी समझ है वो ये कहती है कि जीवन का संबंध संवेदना से है, सेंसेशन से है, और हर पौधे के पास सेंसेशन है और हर पौधे के पास वो प्रतिक्रिया करता है, सूर्य की किरणों के प्रति प्रतिक्रिया करता है, पानी हम उसे कम या ज्यादा दे देते हैं तो भी प्रतिक्रिया करता है। अभी जो मैंने बात की आप सुन पाए क्या? जी अभी जो मैंने बात कही उसको आप सुन पाए क्या? अभी आप किसी से बात कर रहे थे तो वो मैम कह रही थी कि मतलब मुझे लगता है कि जीने की चाह जो होती है वो उसके आधार पे कहा जाए, यही वाली बात। जी, तो जीने की आशा, जीने की आशा, हाँ, वो आपको पेड़ पौधों में नहीं दिखाई देगा, पशु पक्षियों में दिखाई देता है, स्वयं में दिखाई देता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि सर ये तो पेड़ पौधों में भी हमें दिखाई देती है, किसी भी विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करके उग जाना, बढ़ जाना और अपने आप को सर्वाइव करना बहुत लंबे समय तक। मैं अपने घर के एक पौधे में पानी नहीं डाल पाया, मैं भूल गया कई दिनों तक, तो उसके बाद भी उसने सर्वाइव किया और कई दिनों तक सर्वाइव किया, और फिर जब मुझे ध्यान आया तो मैंने एकाएक पानी डाला तो वो लगभग जो है 10-12 घंटे में वो फिर से अपनी वापस उसी स्थिति में आ गया। तो यानी उसके पास आशा तो है, एक उम्मीद तो है, और उस उम्मीद के लिए वो संघर्ष भी करता है अपनी तरह से, जितनी इंद्रियां उसके पास है, गड़बड़ी नहीं करते हैं, है ना। इसको और ऑब्जर्व करिए कि उसमें सेल्फ है कि नहीं, क्योंकि ये जो संघर्ष करना है तो सेल्फ में हो रहा है। जी जी, पेड़ पौधों में सेल्फ है कि नहीं, उसमें मानने की क्रिया है कि नहीं, पेड़ पौधों में कोई ब्रेन जैसी एंटिटी है कि नहीं जिससे कि कोई सेल्फ कोएग्जिस्ट कर सकता है ना? नहीं सर। जी जी, तो अभी क्या होता है, अभी हम अपने ढंग से चीजों को कुछ है ना विश्लेषण करके मान लेते हैं, उससे बात पूरी नहीं पड़ती। जी बढ़िया बढ़िया भैया, इसको थोड़ा और ऑब्जर्व करिए। तो मैंने पूछा था कि मछलियों कहाँ रखेंगे, कीट पतंगों कहाँ रखेंगे, कीड़े मकोड़ों कहाँ रखेंगे, तो हम इसको अब देख सकते हैं मानने की क्रिया है कि नहीं। तो जिन मछलियों में मानने की क्रिया दिखाई देगी उसको हम जीवावस्था में रखेंगे, जिन मछलियों में मानने की क्रिया नहीं है वहाँ इसमें प्राणावस्था में रखेंगे, जिन मछलियों में ब्रेन है, डेवलप ब्रेन है ना, उसको हम जीवावस्था में रखेंगे, जिसमें डेवलप ब्रेन नहीं उसको यहाँ रखेंगे, कीट पतंगों को, कीड़े मकोड़ों को देखें तो हम प्राणावस्था में रखेंगे। इन सब चीजों को हम लोग अपने आप में जांच सकते, समझ सकते हैं, बट जो प्राइमरी बात है वो ये है कि अगर हम अपने आप को समझ पाते हैं तब तो हम इन बाकी अवस्थाओं को समझ पाते हैं, अपने आप को नहीं समझ पाते तो हम इनको भी नहीं समझ पाते, और फिर ये मूल्यांकन में चूक होता रहता है। इसको हम सभी ऑब्जर्व करें और क्लैरिटी के लिए अभी देखेंगे। तो अभी सारा कंफ्यूजन निकल कर आया ना, और जिस तरह से हमने प्रकृति को अभी तक समझने का प्रयास किया है और स्वयं के लिए सुख पूर्वक जीने का प्रयास किया है, उसमें दिखाई देता है कि हमने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर ली। तो दिखाई देगा कि अभी क्लाइमेट चेंज हो गया है ना, इससे धरती का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, सी लेवल राइज होता जा रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइसबर्ग्स हैं, जो आर्कटिक महाद्वीप पे और अंटार्कटिक पे जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं वो सब पिघलते जा रहे हैं, जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे जो बारिश हो रही है उस बारिश में कमी होती जा रही है, बारिश असमय होती जा रही है, जो ऋतु है उसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं। अभी भी देखिए तो ऋतुओं का परिवर्तन दिखाई दे रहा है ना, ठंड के मौसम में कई बार बहुत तेज गर्मी हो जाती है, गर्मी के मौसम में बहुत तेज ठंड पड़ने लगती है, ऐसा बहुत सारा ऋतु परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ऐसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है क्योंकि हम बहुत सारा केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालकर खेती कर रहे हैं, और उस खेती करने से जो मिट्टी का कल्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। जिस तरह से हम मछलियों को पकड़ कर ला रहे हैं
समुद्र से, अब ज्यादा से ज्यादा मछलियों को खाने के लिए ज्यादा मछलियों को पकड़ना हो रहा है, और ज्यादा मछलियों को पकड़ने के लिए हम समुद्र में दूर तक जा रहे हैं, उससे पूरा जो फिश कल्चर है, जो सी कल्चर है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। पशु और पक्षियों का हम शिकार कर रहे हैं, बहुत सारे पशु जो है अब कम दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। जैसे हमारे यहाँ बताते हैं कि 1901 में 50,000 रॉयल बंगाल टाइगर थे और आज के दिन गिनती के रह गए। अच्छी बात यह है कि सन 2002 में सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि इनको बचाना है, और तब से इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, परंतु अभी भी संख्या इनकी 2 से 2,500 के बीच में है, जबकि पहले 50,000 हुआ करते थे। और कारण शिकार, मनोरंजन के लिए शिकार करना। फिर इनका जो अपना एक नेचुरल हैबिटेट है वो खराब हो रहा है। आप पाएंगे कई बार हमारे खेतों में नीलगाय आ जाती है, क्योंकि नीलगाय का जो रहने का जगह था हमने उसको नष्ट कर दिया और खेत बना लिए, या फिर हम पशुओं का जो अपना रहने का स्थान है वहां चले गए रहने के लिए और उनका अपना स्थान चला गया। अभी लखनऊ में एक तेंदुआ है ना कॉलोनी में घूमता रहा काफी समय तक, तो उनको अगर हम घर बना भी रहे तो हमको प्रॉपर रहने का स्थान तो दें। एसिड रेन, बारिश जो हो रही है उसमें एसिडिटी पाई जा रही है, और क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है जिससे हमारे बहुत सारे स्पीसीज खत्म हो रहे हैं, प्लांट्स के, इंसेक्ट्स के, बर्ड्स के, एनिमल्स के। वैसे प्रदूषण दिखाई देता है, पानी का प्रदूषण, पानी दूषित होता जा रहा है, हवा दूषित होती जा रही है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कई जगहों पर शहरों में 400 से ऊपर है, जबकि हमारे ठीक से सांस लेने के लिए उसका 100 से नीचे होना ठीक है। ऐसे मिट्टी प्रदूषण, मिट्टी को हम खराब करते जा रहे हैं, इतना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल दिया कि मिट्टी का कल्चर खराब हो रहा है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, वन टाइम यूज प्लास्टिक को हम बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ गाजियाबाद में एक बड़ा प्लास्टिक का ढेर बन चुका है और दूसरे प्लास्टिक के ढेर को बनाने के लिए जगह देखा जा रहा है। इसके लिए कॉलोनीज की तरफ शिकायत हो रही है, प्रशासन और कॉलोनीज के बीच में संघर्ष चल रहा है कि उनके घर के बगल में ना बनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ढेर बन जाता है, उसके कारण जो हवा आती है वो दूषित आती है, तो हम प्लास्टिक का ढेर बनाते जा रहे हैं। ये भी पाया गया है कि जो हवा का प्रदूषण है उससे 70 लाख डेथ हर साल होते हैं वर्ल्ड ओवर, और WHO का अगर हम आंकड़ा देखें। फिर सूखे की स्थिति, पानी की कमी, साउथ अफ्रीका का जो राजधानी है केप टाउन, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया, वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, वाटर टेबल इतना नीचे जा चुका है कि उसको पानी को निकालना मुश्किल है, पानी का अभाव होता ही जा रहा है। अगर हम भारत में भी देखें भिन्न भिन्न हिस्सों में वाटर टेबल दिन ब दिन नीचे जा रहा है, बनारस में ऐसा पाया गया था कि हर वर्ष 1 फुट नीचे जा रहा है पानी। और उसका कारण यह है कि हम बहुत ज्यादा पानी तो खींच रहे हैं धरती के अंदर से, पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है। अभी हम भारत को देखें तो दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है, 140 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी हो गई है, और उसके लिए हम जितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं, और पानी को हम रिसाइकल नहीं कर रहे, कंज्यूम कर रहे हो तो एक बात है, रिसाइकल नहीं कर रहे, इसलिए पानी की कमी होती जा रही है। और जो हमारे खाने के गलत तरीके हैं, जैसे अभी नॉन वेज फूड खाते हैं या ऐसे फूड खाते हैं जिसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है, उस प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारा पानी खर्च होता है, बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। वेदर पैटर्न बदल रहा है, बारिश का तो निश्चित समय है ना, है ना, गर्मी का निश्चित समय है, इसी कारण भी ये जो प्रभाव पड़ रहा है पानी की उपलब्धता पे वो अलग तरह से पड़ रहा है। रिसोर्सिस का डिप्लीशन होता जा रहा है, तो वर्ल्ड की ओवर देखें तो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और फॉसिल फ्यूल्स कम होते जा रहे हैं, मिनरल्स कम होते जा रहे हैं, कोल कम होता जा रहा है, हम जंगल काटते जा रहे हैं, जंगल का जो प्रतिशत है कवरेज का वो कम होता जा रहा है, जिससे मिट्टी का क्षरण हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, और उसके कारण लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। अभी भारत के ऊपरी हिस्से में वो जो एक स्थान है जहाँ अभी लैंडस्लाइड हुए है ना, जिनको नाम ध्यान हो तो बता सकते हैं, जहाँ पे अभी हाल में लैंडस्लाइड हो गया था, तो अभी देखें तो वहाँ लैंडस्लाइड हुआ, और ऐसे लैंडस्लाइड्स कई जगहों पर देखने जा रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी 3 या 4 वर्ष पहले एक नेचुरल डिजास्टर हुआ। जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और ऐसा बता रहे हैं कि 1 करोड़ हेक्टेयर प्रति वर्ष फॉरेस्ट का कवरेज कम होता जा रहा है, ये UN का डेटा है, यूनाइटेड नेशंस का डेटा है। तो ये अभी हमने स्थिति बना ली है, क्योंकि हमने बाकी 3 अवस्थाओं को समझा नहीं है, हमने अपने आप को भी नहीं समझा है, संबंध तो सुखी होने की आशा में हम खुद को भी दुखी परेशान किए हुए हैं, शरीर को अपना खराब कर रहे हैं, बाकी प्रकृति को भी खराब कर रहे हैं, और इस एक कुचक्र बन गया है। अभी ऐसी हालत है कि हम जिस डाली पे बैठे हैं उसको काट रहे हैं, बट हम कह रहे हैं पहले कि मेरा पड़ोसी काटना बंद करे तो मैं काटना बंद करूं, कुछ ऐसी स्थिति में पहुंच गए। तो ये गंभीर मुद्दे हैं, हम इसको देखें, है ना, इस पर कई बार बात हुई है।
अमेरिका के जो पहले मतलब पूर्व के जो एक वाइस प्रेसिडेंट रहे अल गोर, उन्होंने एक मूवी बनाई है एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ, उसका एक वेबसाइट भी है, आप जाएंगे उसमें बहुत सारे आंकड़े देखने को मिलते हैं किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ रहा है, किस तरह से हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है, किस तरह से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, किस तरह से सी लेवल राइज कर रहा है। अब सोचें कि अगर समुद्र का तल ऊंचा हो जाता है तो जो हमारा कोस्टल एरिया है वो डूब जाएगा, सिर्फ हमारा नहीं वर्ल्ड ओवर कोस्टल एरिया डूबेंगे, और जब कोस्टल एरिया डूबेंगे तो जो समुद्री तट पर रहने वाले लोग हैं वो उठ उठ कर मैदानी भागों में पठारी हिस्सों में आएंगे, और जब वहां आएंगे तो वहां फिर संघर्ष होगा। जी इसे नाम बताया जोशी मठ, जोशी मठ में भी लैंडस्लाइड हुआ था। तो हमको ये दिखाई देगा कि जो पदार्थ अवस्था है वो मात्रा में सबसे अधिक है, जैसे धरती का पूरा गर्भ अगर देखें तो पदार्थ है, इसके सतह पे भी पदार्थ है, और उसमें कहीं कहीं पे पेड़ पौधे हैं, और उसमें कहीं कहीं पे पशु पक्षी हैं, और उसमें बहुत कम संख्या में हम हैं। तो जो प्रकृति की बनावट है इस प्रकार से है कि जो अवस्था इसी अवस्था पर निर्भर है तो उस अवस्था को पुष्ट करने से के आधार पर अवस्था बनी हुई है। तो अगर पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था को पुष्ट करती है तो पदार्थ अवस्था की मात्रा उसी अनुसार है ताकि प्राण अवस्था पुष्ट बनी रहे। वैसे ही पदार्थ और प्राण अवस्था की जो मात्रा इस प्रकार से बनी हुई है कि जीवावस्था पुष्ट होती रहे, और इनकी मात्रा इस प्रकार से बने कि हम अपनी आवश्यकता को ठीक से पूरा कर पाए। और अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा जीना इन बाकी तीन अवस्थाओं पर निर्भर है, है ना? तो हमारा जीना है इन तीनों अवस्थाओं पर निर्भर, बट हम इसको अगर ना देख पाए तो हम इनको नष्ट करते हैं। ठीक वही बात हो जाती है कि हम जिस डाली में बैठे उसको काट रहे हैं और हम उसी को विकास कह रहे हैं। अभी जिस प्रकार से युद्ध हो रहा है उसमें न्यूक्लियर वारफेयर की, एटॉमिक वारफेयर की संभावना बन गई है, और एक बार ये शुरू हो गया। जी चंद्रशेखर झाप ये बता रहे हैं कि उत्तर बिहार के अधिकांश परंपरागत जल स्रोत समाप्त हो गए हैं, तेजी से लुप्त हो रहे हैं। जी तो अभी हम तीनों को ही नष्ट करने पर लगे हुए हैं, है ना? हमको लगता है इनको इस सब पे शासन करना है, इनका शोषण करना है, क्योंकि हम सबसे शक्तिशाली प्रजाति हैं इस धरती पे, तो ये धरती हमारे भोग की वस्तु है, तो हमको अधिक से अधिक भोगना है, पशु पक्षियों को भोगना है, पेड़ पौधों को भोगना है, मिट्टी और पानी को, खनिज को भोगना है, और अल्टीमेटली हमको ये नहीं दिख रहा है कि हम कितना सफर कर रहे हैं। अगर आज से हम 20 साल पहले जाके देखें तो शायद ही कोई घर था जहाँ पे आरओ लगे हुए थे, आज के दिन शहरों में लगभग हर घर में आरओ लगा हुआ है। तो पानी को हमने दूषित कर दिया, खराब कर दिया, अब हमको पानी को पीने के लिए भी मशीन लगाना पड़ रहा है। अब हवा के प्रदूषण की बारी है, अब घर घर में एयर प्यूरिफायर लगने वाले हैं, क्योंकि अगर हम हवा को प्रदूषित करते जाएंगे तो अल्टीमेटली हम सफर करेंगे कि नहीं। ये पेड़ पौधों में जिस तरह से हमने खराबी की है, जिस तरह का हम पैदावार ले रहे हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल के ले रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। पंजाब से एक ट्रेन है जिसको कैंसर ट्रेन कहते हैं, पंजाब से वो बीकानेर जाती है, भटिंडा से शायद बीकानेर जाती है, और उसमें जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए फ्री ट्रैवल की व्यवस्था की गई है। तो आप आएंगे पूरा ट्रेन ही कैंसर पेशेंट से भरा हुआ रहता है, उसको नाम ही दे दिया गया कैंसर ट्रेन। तो ये हमने हालत कर ली है, खुद हम पैदा कर रहे हैं ऐसा अनाज जो हमारे शरीर में रोग पैदा कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है इन सब चीज़ों से, इससे हमारी सुविधा की पैसे की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। पानी पीने के लिए पैसा देना है, हवा में सांस लेने के लिए पैसा देना है, बीमारी हो गई उसके इलाज के लिए हमको लाखों रुपए खर्च करने हैं। तो अल्टीमेटली हम सफर कर रहे हैं अगर हम इन अवस्थाओं का ध्यान न रखें। तो ये एक प्रचलित सी मान्यता बन गई है कि मैं तो इस प्रकृति का मास्टर हूँ और प्रकृति मेरे शोषण की वस्तु है, मेरे दोहन की भोग की वस्तु है। तो हम इन मान्यताओं के आधार पर और संवेदनाओं से तृप्त होने के क्रम में अल्टीमेटली पूरे नेचर का हम क्षय करते जा रहे हैं, दोहन करते जा रहे हैं, शोषण करते जा रहे हैं। ये हमारी प्रीकंडीशनिंग और सेंसेशन में बैठ गया है ना, जबकि हमारी सह स्वीकृति क्या है, परस्पर पूरकता की है। तो जीने में देखें तो कभी तो हम फुलफिलिंग होते हैं, बट मोस्टली हम एक्सप्लॉयट करते रहते हैं नेचर को। कभी प्रेरणा मिलती है तो हम फुलफिल करते हैं, बट ज्यादातर समय हम एक्सप्लॉयट कर रहे होते हैं। तो ये दिखाई देगा कि प्रकृति में सभी अवस्थाओं का एक निश्चित आचरण है, और समझ के अभाव में मानव का निश्चित आचरण नहीं बन पा रहा। मानव को देखें तो मानव के में दिखाई देता है कि शरीर का तो निश्चित आचरण है, एक जड़ इकाई है, और सेल्फ का जो आचरण है बेसिकली मानने पर निर्भर है। अगर मानना जानने के अभाव में हो रहा है उसमें अनिश्चितता होगी, समस्याएं होंगी। तो सोल्यूशन ये है कि मानव में जानने का काम पूरा हो जाए, व्यवस्था का ज्ञान हो जाए, संबंध का भाव सुनिश्चित हो जाए, सहअस्तित्व का अनुभव हो जाए। अगर ये कर पाते हैं तो हमारा जीना ठीक हो पाता है, और ये काम शिक्षा विधि द्वारा सहजता से हो सकता है। अभी जितना सारा शेयरिंग किया गया, जिस तरह से
अभियान चल रहा है, जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बहुत सारी संभावना बनती जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा संस्कार को और सटीक ढंग से, मानवीय ढंग से बच्चों तक ले जाया जाए, और उसके लिए हम सबके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा काम है। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम अपनी सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान पाए और हम देख पाए कि हाँ इतना पर्याप्त हो गया, ताकि हमारे पास समय शेष हो व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए, शिक्षा में काम करने के लिए, न्याय व्यवस्था में काम करने के लिए, है ना, स्वास्थ्य संयम के लिए काम करने के लिए, ये शेष प्रकृति की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए। अभी हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास समय नहीं है इन सब के लिए भागीदारी करने के लिए। क्यों व्यस्त हो गए हैं कि कहीं इसका हम दोहन शोषण करके हमने अपनी आवश्यकताएं बढ़ा ली, समझ के हम आवश्यकताएं बढ़ा ली और हम व्यस्त हो गए। एक बार सही शिक्षा संस्कार सुलभ हो जाए तो धीरे धीरे मानव का जीना ठीक हो सकता है। और फिर ये सब तो पहले से व्यवस्था में थे ही, है ना, हम वहाँ इंटरफियर करें जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही, इसको भी ठीक कर सकते हैं। तो प्रकृति का अध्ययन करें तो चार अवस्था में दिखाई देता है कि ये, है ना, अलग अलग प्रकार की इकाइयां हैं। पदार्थ अवस्था में देखें तो मिट्टी धातु है, प्राणावस्था में पेड़ पौधे हैं, जीवावस्था में पशु पक्षी हैं, ज्ञानावस्था में हम सभी हैं। क्रिया के रूप में देखेंगे तो दिखता है इसमें रचना विरचना हो रही है, पदार्थ अवस्था में रचना विरचना है, जुड़कर एक बड़ी इकाई बन जाती है, टूटकर छोटी इकाई बन जाती है। रचना विरचना के साथ श्वसन प्रश्वसन की क्रिया हो रही है पेड़ पौधों में, इस पर हम लोगों ने यूएचई 2 वर्कशॉप में भी बात किया है। जीवावस्था में देखें तो शरीर वैसा ही है जैसे पेड़ पौधे, रचना विरचना हो रही है और श्वसन प्रश्वसन हो रहा है। मैं में चयन आस्वादन क्रिया दिखाई देती है, जो मैंने एक उदाहरण लिया था कि कुत्ते के बच्चे को हमने नाम दे दिया और उसने उसको स्वीकार लिया, वो कैसे हुआ, उसने शब्द को बार बार सुना और चयन कर लिया कि जब ये व्यक्ति शब्द को बोले तो मुझे इसकी तरफ दौड़ के जाना है, तो चयन आस्वादन क्रिया दिखाई देती है, मैं दिखाई देता है। ये पेड़ पौधों में नहीं दिखाई देता, ये है ना टेबल चेयर में नहीं दिखाई देता। अपने बारे में देखते हैं, दिखता है कि शरीर है जो वैसा ही है जैसे पशु का शरीर, जैसे पेड़ पौधे, और मुझ में सिर्फ चयन आस्वादन क्रिया नहीं हो रही है, विश्लेषण भी हो रहा है, तुलन भी हो रहा है और चित्रण भी हो रहा है। ये क्रियाएं मुझ में चल रही है, सब चैतन्य क्रियाएं हैं, और मुझ में जानने की क्षमता है, उसी का हम अभी सदुपयोग कर रहे हैं, इस सेशन में भी हम उसी का सदुपयोग कर रहे हैं। उसके साथ देखते हैं तो हमें धारणा यानी स्वत्व दिखाई देता है, हर इकाई का, हर अवस्था का स्वत्व समझ में आता है। तो पदार्थों की कोई भी इकाई हो, उसका जो धारणा है, स्वयं जो व्यवस्था है, स्वत्व है, वो यह है कि वो बना रहता है। तो इकाई है, बनी रहती है, उसके रूप गुण में परिवर्तन हो जाए परंतु इकाई बनी रहती है, एक क्रिया के रूप में बनी रहती है, एक निश्चित प्रकार से बनी रहती है। प्राणावस्था में देखें तो इकाइयां बनी रहती हैं और साथ में पुष्टि भी है। प्राणावस्था में पदार्थ शामिल है, तो प्राणावस्था कोई भी इकाई जैसे हमारा शरीर ही है, पेड़ पौधे हैं, तो उसमें तो पदार्थ शामिल ही है ना, उसमें धातु अधातु शामिल है। जैसे हमारे शरीर में भी देखे तो हवा है ना, बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिकुल्स हैं, पदार्थ है, और साथ में इस प्रकार से संगठित है, इस तरह से क्रियाएं हो रही हैं, उसमें पुष्टि हो रही है। हम भोजन लेते हैं, भोजन पच जाता है, तो पेड़ पौधों में दिखाई देगा कि स्तित्व बना हुआ इकाई का और पुष्टि भी है। तो जब तक प्राणावस्था की इकाई है तब तक उसमें पुष्टि बनी रहेगी। जीवावस्था को देखें तो मैं और शरीर दो तरह की वास्तविकता दिखाई देती है। तो अभी जैसे बात हो रही थी कि मैं में जीने की आशा दिखाई देती है, जीना चाहता है। शरीर में एक भाग है मेधस ब्रेन, जिसके साथ मैं का सहअस्तित्व बना हुआ है। कि जीने की आशा शरीर में नहीं है, जीने की आशा प्राणावस्था इकाई में नहीं है, जीने की आशा मैं में है, और मैं के साथ जो सहअस्तित्व बना हुआ है उसको जीना कह रहे हैं, उसको जीवन कह रहे हैं। इसीलिए जो बात हो रही थी, तो जीवन यहाँ पे जीवावस्था में है, जीव का मतलब जो जीना चाहता है। प्राणावस्था में प्राण है, श्वसन प्रश्वसन है, यहाँ जीना नहीं है। ये बात हमको जितना स्पष्ट होगा उतना ही हम इनके साथ ठीक से जी पाएंगे। तो पेड़ पौधों के साथ भी हम संबंध का निर्वाह ठीक ठीक कर पाएंगे, पशु पक्षी के साथ भी निर्वाह ठीक ठीक कर पाएंगे। मानव में देखते हैं तो मैं और शरीर दोनों दिखाई दे रहे हैं, और मैं में सिर्फ जीने की आशा नहीं है, निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है, जो समाधान से पूरा होता है, समाधान ज्ञान से पूरा होता है। तो ये इसकी धारणा है, ये इसका इनेटनेस है, व्यवस्था है स्वयं में, है ना। मैं हूँ एक चैतन्य इकाई के रूप में, और मेरे में निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा बनी हुई है, इसको मुझे क्रिएट भी नहीं करना, ये पहले से ही है ही। बस ये है कि उसको पूरा कैसे करना है वो तय होना है। तो ज्ञान और समाधान से पूरा होता है, अगर हमको दिख जाए तो ज्ञान और समाधान के लिए निष्ठापूर्वक काम करते हैं।
और आगे देखते हैं तो अनुसंगीयता दिखाई देती है, तो पदार्थ अवस्था इकाइयों में दिखाई देता है कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसी बनावट होती है, उसके अनुसार परिणाम होता है, यानी उसका वैसा ही आचरण होता है। तो परिणाम का अनुसंगी होता है, परिणाम मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह की बनावट, जिस तरह की रचना है, उसके अनुसार जो तैयार होता है उसको परिणाम कहा। तो हाइड्रोजन की बनावट एक प्रकार की है, ऑक्सीजन की बनावट अलग प्रकार की है, पानी की बनावट अलग प्रकार की है। जैसी बनावट है वैसा ही उसका आचरण है। तो हाइड्रोजन को देखें तो जलने वाली वस्तु है, ऑक्सीजन को देखें जलाने वाली वस्तु है, पानी को देखें तो बुझाने वाली वस्तु है। तो जैसा परिणाम वैसा उसका आचरण। वैसी प्राणावस्था को देखें तो बीजानुसंगी है, जैसा बीज वैसा आचरण। तो नीम का बीज है, नीम के बीज से नीम का पौधा तैयार होता है, उससे नीम का पेड़ तैयार होता है और वैसा ही आचरण करता है। पीपल का बीज है, पीपल का वृक्ष तैयार होगा, है ना। पपीते का बीज है, पपीते का पौधा तैयार होगा। पेड़ पशु पक्षी में देखें तो वंश की अनुसंगीयता दिखाई देती है। पशु पक्षी में देखें तो वंश के आधार पर आचरण दिखाई देता है। तो दो तरह के पशु पक्षी दिखाई देंगे, क्रूर या अक्रूर। तो कुछ होते हैं जो क्रूर होते हैं, है ना, कुछ होते हैं जो अक्रूर होते हैं। तो जैसा उसका शरीर का बनावट है वैसा उसका वंश है, वैसा उसका आचरण है। यहाँ पे आप पाएंगे कि जो आचरण है वो शरीर की बनावट से तय होता है। मैं यहाँ पर भी है, परंतु मैं चूंकि विकसित नहीं है तो शरीर डोमिनेंट है। शरीर की बनावट से पशु पक्षियों का आचरण तय होता है, इसलिए उसको वंशानुसंगी कहा। मानव की बात करें तो मानव में जो मैं है वो ज्यादा डेवलप्ड है, इसलिए शरीर का डोमिनेंस नहीं है, मैं का डोमिनेंस है। यानी मैं में जैसा संस्कार होता है, जैसा विचार क्रम होता है, जैसा भाव होता है, वैसा आचरण करता है। शरीर से हमारा आचरण तय नहीं होता, इसलिए इसको शिक्षा संस्कार अनुसंगी कहा। तो ये अनुसंगीयता है ना, इसको हम समझ सकते हैं। ये दिखाई देता है कि यदि हम शिक्षा संस्कार को पूरा कर पाते हैं सटीक ढंग से, तो ज्ञान सुनिश्चित होता है, ज्ञान से समाधान सुनिश्चित होता है, समाधान से निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा पूरी होती है, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। इसलिए शिक्षा संस्कार मानव के लिए, ज्ञान अवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो इससे हमारी भागीदारी क्या तय होती है? तो भागीदारी को देखें तो दिखता है कि भागीदारी संवर्धन के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में है ना। तो हम प्रकृति को संवर्धित करते हैं, संरक्षित करते हैं, सदुपयोग करते हैं, जिससे हमारे में समृद्धि का भाव सुनिश्चित होता है, हमारी सुविधा की आवश्यकता पूरी होती है। तो हम कैसे इसको पूरा करेंगे? तो जो उसके स्वयं की व्यवस्था है हम उसको संरक्षित करते हैं, उसकी अनुसंगीयता है हम उसका संवर्धन भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, और जैसी उसकी क्रिया है उसके अनुसार उसका सदुपयोग करते हैं। एक एक अवस्था का अगर हम स्वयं में व्यवस्था को देख पाते हैं, उसकी अनुसंगीयता को देख पाते हैं, उसकी क्रिया को देख पाते हैं, तो वैसा ही फिर हम उसके आधार पर उनके साथ आचरण कर पाते हैं। तो आवश्यक यह है कि हम ना इनके जो स्वयं की व्यवस्था है उसको हम संरक्षित कर पाए, अनुसंगीयता को हम संरक्षित कर पाए, संवर्धित कर पाए, और इनको हम इनकी क्रियाओं के आधार पर इनका सदुपयोग कर पाए, कम से कम उसको वायलेट ना करें, उसको ठीक ठीक पूरा कर पाए। इनेटनेस मीन्स स्वत्व, स्वयं व्यवस्था धारणा, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे लिए जरूरी है कि जो नेचर में, प्रकृति में जो व्यवस्था बनी हुई है उसको हम ठीक ठीक समझ पाए और उसके अनुसार जी पाए। तो एक ऐसा वातावरण हम बना पाए ताकि जो क्रिया चल रही है एक अवस्था में, है ना, उसके लिए हमें कंडीसिव एटमोसफियर बना पाए, एक वातावरण बना पाए, और हम उसके जो स्वयं की व्यवस्था है उसको फैसिलिटेट कर पाए, कम से कम उसको वॉयलेट ना करें, उसकी जो अनुसंगीयता है उसको हम फैसिलिटेट कर पाए, कम से कम उसको वॉयलेट ना करें, यह हमारी भागीदारी दिखाई देती है। तो जैसे अगर पदार्थ व्यवस्था की बात करें तो उसके जो तत्व है, जो उसकी व्यवस्था है, वो यह है कि उसका अस्तित्व बना रहता है, तो उसको बनाए रखने के लिए भागीदारी करें। जैसे धरती को देखें तो धरती की जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बना रहे, उसमें जितना खनिज लवण है वो बना रहे, जितना तेल है, गैस है, वो बना रहे, ना कि हम सारे को निकाल के प्रयोग कर लें, हवा में मिला दें और उसे प्रदूषण पैदा कर दें, तो धरती भी खराब हुई और हवा भी खराब हुई। अभी हमने इतना सारा कोयला निकाल लिया है, कई जगहों पर तो ऐसा लग रहा है कि अब वो मिट्टी का जो ऊपर का तह है वो गिर जाएगा। जैसे झरिया एक जगह है झारखंड में जहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, तो पूरा जो ऊपर का परत है वो कभी टूट के गिर सकता है, ऐसा बताते हैं। वैसे हमने इतना सारा तेल निकाल लिया कि धरती के अंदर तेल की कमी होगी, गैस की कमी होगी,
है ना, मिनरल्स बहुत सारा हमने खर्च कर लिया है, इतने स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं कि मिनरल्स की कमी हो गई है, तो उसका कंस्टिट्यूशन बिगड़ता जा रहा है। जैसे बायो ऑर्डर पे देखें अनावस्था को, तो उसके हम ग्रोथ को इंश्योर करता है, पुष्टि को इंश्योर करता है। तो जैसे हम धान को देखें तो धान की बहुत सारी प्रजातियां थी, अब वो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गए। ऐसा बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 12,000 प्रकार के धान थे एक समय, और अभी आज के दिन कुछ 100 मिलेंगे, उससे अधिक नहीं मिलेंगे। तो हम उसको प्रिजर्व कर पाए, उसके ग्रोथ को हम उसके लिए अनुकूल वातावरण दे पाए। जीवावस्था में देखें तो उसके शरीर को हम एक अनुकूल वातावरण दे पाए, उसके लिए जो आवश्यक सुविधा है उसको हम उपलब्ध करा पाए, और उसके जीने की आशा को हम बचा कर रख पाए, कम से कम उसे मारे नहीं, है ना, और उसे क्षति ना पहुंचाए। तो जैसे यहाँ पे देखें तो जो ब्रीड है उसका, उसको हम संरक्षित रख पाए। जैसे गाय का वंश है, तो चूंकि ये वंशानुसंगी है, तो गाय के वंश को या पशु के वंश को बचा के रखना जरूरी है। अभी गायों का बहुत सारा वंश जो है धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। पक्षियों में देखें तो गौरैया एक पक्षी है, उसको भी लगता है कि लुप्त प्राय हो गया है। गिद्ध जो एक पक्षी है, वो भी दिखता है कि अब लुप्त प्राय हो गया है, उनके वंश को बचा पाए। और मानव की बात करें तो मानव के लिए जो शरीर की आवश्यकता है सुविधा, उसको हम फिर भी पूरा कर पाए, और निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा को हम शिक्षा संस्कार विधि से पूरा कर पाए। ये करने का काम है ताकि मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार हो पाए। तो अगर हम इसको समझ के जी पाते हैं तो हम मानव चेतना के साथ जीते हैं, अन्यथा हम जीव चेतना में जीते हैं। तो जीव चेतना में जीने का मतलब ये हुआ कि हमको समझ में नहीं आया है, है ना, तो हम या तो दीनता में जीते हैं या हीनता में, क्रूरता में। तो जब मेरे अंदर मैं की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती है, तो है ना, मैं अपने आप में दरिद्र महसूस करता हूँ, दीन महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी नहीं कर सकता। ये जो भाव है दीनता है। अब चूंकि मैं अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसके लिए छल का प्रयोग करता हूँ, ये हीनता है। और मैं अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं बल का प्रयोग करता हूँ, ये क्रूरता है। तो पशु ऐसे जीते हुए दिखाई दे सकते हैं, है ना, कुछ पशु जो डर कर जीते हुए दिखाई देंगे दीनता में, कुछ पशु जो छल कर रहे होंगे, चलाकी कर रहे होंगे, कुछ पशु जो बल का प्रयोग कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी जीने की मात्र आशा है पशु के साथ, इसमें कोई व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं होती, है ना। जंगल में देखें तो क्रूर पशु भी हैं, क्रूर भी हैं। एक शेर एक हिरण को मार के खाता है, और जितना उसमें भूख होता है उतना खाता है, उसी शेर के चारों तरफ फिर हिरण आपको टहलते हुए दिखाई देंगे। तो पशुओं के साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो जीव जीव की तरह जी रहा है वहां प्रॉब्लम नहीं है, मानव जीव की तरह जीने लगे तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कुछ जीव चेतना का मानव चेतना क्या है कि मेरे अंदर ज्ञान सुनिश्चित हो, समाधान सुनिश्चित हो, और मुझे निरंतर सुखपूर्वक जीने की विधि दिखाई दे, तो मैं धीर होता हूँ। मैं हर बार व्यवस्था को समझने, व्यवस्था के में जीने के क्रम में ही प्रयास करता हूँ, उसी क्रम में भागीदारी करता हूँ। और जब मैं अपने अंदर धीरता को देख पाता हूँ, तो दूसरे को समाधानित करने के लिए, दूसरे को ज्ञान संपन्न करने के लिए मैं हर क्षण तत्पर रहता हूँ, ये वीरता है। और उसके लिए मैं अपना तन मन धन लगाने के लिए तत्पर रहता हूँ, ये उदारता है। ये जीने में एक संक्रमण दिखाई देता है ज्ञान के साथ, समाधान के साथ। तो हमारा रोल क्या हो सकता है इस पूरी समझ के साथ? तो हम नेचर में हार्मनी को सस्टेन करने के लिए मूल्य शिक्षा पे विधिवत काम कर सकते हैं, जैसा भी हमने करना शुरू भी किया है, परंतु इसको और विधिवत ले जाना पूरे जन समुदाय तक, पूरे समाज तक। और हम लोक शिक्षा के द्वारा मासेज में एक जागरण तैयार कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जीना ऐसा हो सकता है जो उन्माद मुक्त हो, भोगोन्माद, कामोन्माद, लाभोन्माद से मुक्त हो, संग्रह प्रवृत्ति से मुक्त हो, दूसरे गायों पर शोषण दोहन से मुक्त हो, युद्ध से मुक्त हो। तो हमारा अपना जीना तो ठीक हो सकता है ना, समाज में भी बजाएगी बात, परंतु हमारा अपना जीना तो ठीक हो सकता है। वैसे ही देखें तो हम अपने जीने में जो दैनिक कार्यक्रम है, वहाँ चलने का, टहलने का, साइकिल का प्रयोग करने का, साइकिल का प्रयोग बढ़ा सकते हैं। तो मध्य से अधिक पैदल चलने का प्रयोग कर सकते हैं, साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जो जंगल हमने उजाड़ दिए उसको दोबारा हम हरा भरा कर सकते हैं, और नए जंगल भी तैयार कर सकते हैं। जहाँ पे बैरन लैंड है, बंजर भूमि है ना, उस पर हम फॉरेस्ट तैयार कर सकते हैं। विदेश में प्रयोग किया गया कि एक जंगल उजड़ गया था, तो वहाँ पे वैज्ञानिकों ने जाकर सिर्फ हायना पशु है उसको छोड़ दिया, और 3 साल में वो जंगल फिर से हरा भरा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चला सकते हैं।
नेशनल पार्क बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व बना सकते हैं ताकि इकोसिस्टम बना रहे, बायोडाइवर्सिटी बनी रहे। फिर वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, पानी का क्षरण ना हो, पानी का है ना कमी ना हो, उसके लिए हम जो भी पानी बारिश से गिर रहा है उसको हम बचा के रख सकते हैं ताकि वो सीप करे और नीचे धरती में जाए ताकि पीने के लिए पानी बना रहे। जो वेटलैंड्स हैं, दलदली भूमि है, उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, उसको वापस हरा भरा बना सकते हैं। नदियों का संरक्षण बहुत जरूरी है, कई जगहों पर नदियाँ सूख के नाले बन गए हैं, नाले सूख के है ना मैदान जैसा हो गया है, तो उनको पुनर्जीवित करना जरूरी है। यहाँ जीवित मतलब जीना नहीं है ना, तो उसको संरक्षित करना जरूरी है। फिर जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो खेती करने के तरीके हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग इन सब का प्रयोग कर सकते हैं ताकि मिट्टी की व्यवस्था बनी रहे और जो हम भोजन ले रहे हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हो। पक्षियों का, पशुओं का हम संरक्षण कर सकते हैं, उनकी जो स्पीसीज लुप्त प्राय हैं उनको हम वापस फिर से है ना उनकी संख्या बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। अभी जैसे चीता को, चीता की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है, परंतु अभी हाल में न्यूज आया था कि 2 चीता अभी भी मर गए, तो पशु पक्षियों की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। पशुओं के शिकार पे तो ऑलरेडी सरकार ने रोक लगाई है, परंतु अभी भी शिकार हो रहे हैं, उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की जरूरत है। हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसको कम करने की जरूरत है, हम जो चीज़ों का प्रयोग करें उसको रिसाइकल करने की जरूरत है और उसको दोबारा प्रयोग करने की जरूरत है, रिड्यूस रिसाइकल रीयूज, इस पर शहरों में काफ़ी बात भी हो रही है, इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। और आवर्तनशील प्रक्रिया से हम जो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, जो मटेरियल पैदा करें, उसकी जरूरत है। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे ना, ये हम देखना शुरू करें कि हम व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर रहे हैं। जी चंद्रशेखर भैया बता रहे हैं कि मिथिला के कई प्रकार के अनाज लुप्त हो गए हैं, ठीक बात है। तो जिस तरह से गेहूं का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे अनाज, मोटे अनाज जो हम पहले खाते थे वो लुप्त होने लगे हैं। ये भी दिखाई दिया कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी दिखाई देते हैं समाज में जहाँ सरकारों ने प्रयोग किया है, प्रयास किया है, लोगों ने प्रयास किया, संस्थाओं ने प्रयास किया है ताकि प्रकृति फिर से हरी भरी हो जाए। तो जैसे ये उदाहरण आपको मिलेंगे कि एक व्यक्ति है जिसने दिल्ली में रहते हैं, लाखों पक्षियों के लिए उन्होंने घोंसले बना दिए हैं, तो घोंसले हम भी बना सकते हैं। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस होगा, उस दिन हम कॉलेजेस में बच्चों के साथ प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चे घोंसले बनाए और जगह जगह पेड़ पे लगा दें ताकि पक्षियों की संख्या बढ़ पाए। कई ऐसे लोग हैं धरती पे जिन्होंने हजारों पेड़ लगा दिए हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन में पेड़ लगा दिए हैं, है ना, कई लोगों को पुरस्कार भी मिला है। आप गूगल करेंगे ऐसे बहुत सारे लोगों का उदाहरण मिलता है, देश के लगभग हर हिस्से में है ऐसे लोग जिन्होंने ढेर सारे पेड़ लगाए हैं। फिर लोग हैं जिन्होंने छोटी नदियों को वापस संरक्षित करके उसमें पानी के बहाव को सुनिश्चित किया, जो नाले बन गए थे या जिनमें जलकुंभी और इस तरह की चीजें फैल गई थी जिसे पानी का बहाव रुक गया था, उसको रिस्टोर किया है। पानी के टेबल को ऊपर उठाने के लिए लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया है ताकि जल का स्तर ऊपर आ जाए, उसके लिए पेड़ लगाना, उसके लिए पानी के बहाव को रोकना। कुछ देश हैं जैसे हमारे यहाँ भी साइकिलिंग होती है, और कुछ देश हैं जहाँ पे उन्होंने विधिवत साइकिलिंग के प्रयोग को बढ़ाया है, जैसे नीदरलैंड एक देश है, वहाँ पे रोड ऐसे बनाए गए, पेवमेंट बनाए गए हैं, चलने के नियम ऐसे बनाए गए ताकि लोग अधिक से अधिक साइकिल का प्रयोग करें। सरकार के द्वारा देखें तो वाटरशेड प्रोग्राम जो छत्तीसगढ़ में काफी इफेक्टिव ढंग से चलाया गया, जो अपने साथ ही छत्तीसगढ़ से है वो इस बात को जानते होंगे, नदियों को संरक्षित करने का काम या वाइल्ड लाइफ को संरक्षण देने का काम किया गया, और देश भर में, विश्व भर में ऐसा काम किया गया सरकारों के द्वारा। फिर इसको कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के थ्रू कुछ पूरकता के कार्यक्रम करने जरूरी होते हैं समाज के लिए, प्रकृति के लिए, तो उसमें भी दिखाई दिया कि बहुत सारी कंपनीज हैं अभी भारत में भी हैं जो अपने आय का एक मेजर हिस्सा समाज के विकास के लगा रहे हैं, प्रशंसनीय है वो कंपनी जो ऐसा कर रहे हैं, तो नदियों को फिर से संरक्षित करने के लिए, जंगल को संरक्षित करने के लिए, जंगल को बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। शहरों में नियम बनाए गए हैं कि जो भी कॉलोनीज बन रही है उसमें वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, बारिश के पानी को रोका जाए और है ना उसका सदुपयोग किया जाए। इनफैक्ट NAC और NBA जैसे क्राइटेरिया को भी देखेंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग की बात होती है, वाटर हार्वेस्टिंग कॉलेजेस में हो रहे हैं कि नहीं। वन टाइम यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए कैंपेन्स चलाए जाते हैं। फिर वैसे ही इको फ्रेंडली हाउसेज बनाना है ना, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, हम लोग ऐसे टेक्निक को सीख सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं लोगों के है ना जिन्होंने प्रयास किया है। तो हमारी भागीदारी क्या होती है फिर प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इसको देखते हैं। दिखता है कि प्रकृति में 4 अवस्थाएं जो पहले से व्यवस्था में है,
बाकी तीन अवस्थाएं एक दूसरे के लिए पूरक है। मानव भी पूरक होना चाहता है, समझ कर पूरक हो पाता है, परंतु समझ के भाव में अभी हम इनका दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, इसलिए ये छीन होते जा रहे हैं। परंतु यदि हम इस परस्पर पूरकता को समझ पाते हैं तो इनके लिए पूरक हो पाते हैं। कुल जो करने काम है वो ये है कि हम इस परस्पर पूरकता को देख पाए कि ऑलरेडी है प्रकृति में, मुझे सिर्फ उसको समझना है, उसको क्रिएट नहीं करना है, और वैसे हम जी पाए, हमारे पूरे जीने का लाइफस्टाइल ऐसा हो जो पूरक हो। प्रकृति हमारे लिए, प्रकृति से हमें इतना कुछ मिल रहा है, हम प्रकृति को भी भर पाए, प्रकृति को हम संवर्धित कर पाए, और प्रकृति में इसकी पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है। इसको करने कई तरीके हैं जिस पर उन्होंने बात की, कई सारे प्रयास हो रहे हैं, परंतु हमको देखना है कि पर्सनल लेवल पे हम प्रकृति में पूरकता को कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने कितने पेड़ लगाए हैं, जैसे ऐसा बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी पूरी शरीर यात्रा में जितनी लकड़ियों का प्रयोग करता है वो चार बड़े पेड़ से मिल जाते हैं। तो हम सब ने कितने पेड़ लगाए हैं ना, हम सब अभी जितना प्रदूषित कर रहे हैं हवा को, हमने हवा को शुद्ध करने के लिए कितना काम किया है। हम मिट्टी से पौधे उगाकर अपने शरीर की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, मिट्टी को वापस बेहतर बनाने के लिए हमने कितना काम किया है। इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे पास जो भी चैनल्स अवेलेबल है उसमें हम देख सकते हैं हम क्या प्रयास, क्या प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा काम करने योग्य है। कुछ प्रश्न हो तो ले सकते हैं अगर समय होगा, कुछ हैंड्स रेज थे पर तो समय का अभाव था, मैं ले नहीं पाया, अगर समय होगा तो ले सकते हैं। जी भैया नमस्ते। जी नमस्ते। जी भैया, वो बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी, और आपने जिस समय कैंसर ट्रेन का नाम लिया था बठिंडा से बीकानेर के लिए, जी बठिंडा से एक और गाड़ी चलती है वो जाते है हरिद्वार, और उस ट्रेन का नाम उन्होंने फूलों वाली गाड़ी रखा है, क्योंकि वहाँ कैजुअलिटी की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि जो अस्थियां विसर्जन का कार्य है वो नॉर्मली पिहोवा में या हरिद्वार करते हैं, तो वो गाड़ी वहाँ सुबह चलती है और शाम तक लौट के आ जाती है। मतलब इस तरह से बीकानेर वाली जो ट्रेन है, क्योंकि वहाँ किसानी खेती खेती वगैरह का काम होता है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो सारा युवा वर्ग जो है ड्रग एडिक्ट भी हो गया है, तो और केमिकल फर्टिलाइजर्स वहाँ पर केमिकल फैक्ट्री है वीरेंद्र एग्रो ट्राइडेंट ग्रुप की है, तो क्योंकि मैं बठिंडा में रहा हूँ वो फैक्ट्री इनफैक्ट बरनाला है, बठिंडा से कोई 70 किलोमीटर दूर, तो बरनाला और बठिंडा दोनों के साथ मेरा संयोग से मैं वहाँ रहा हूँ 10-12 साल। तो बीकानेर से बठिंडा से जो बीकानेर जाती है उसको कैंसर ट्रेन का नाम दिया गया, और ये बठिंडा से हरिद्वार जो जा रही है उसको फूलों वाली गाड़ी है, और वहाँ कैजुअलिटीज की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अस्थि विसर्जन का कार्य जो है वहाँ संपन्न होता है। तो इस तरह का मतलब सिचुएशन ऐसी बन गई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो 5 नदियों वाला प्रांत था वहाँ ड्रग एडिक्ट भी बहुत हो गए, हालांकि ब्लड डोनर्स भी बहुत हैं। बठिंडा आज की तारीख में हिंदुस्तान भर में जो ब्लड डोनर्स हैं साल भर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन होता है रक्तदाता। मेरी बात पहुंच रही है भैया? जी जी पहुंच रही है, आपकी बात पूरी पहुंच गई जी, बढ़िया भैया। लेकिन वहाँ युवा वर्ग जो है वो थोड़ा इस तरह का है कि बाहर के वर्कर्स ज्यादा है वहाँ पर, बिहार के उत्तर प्रदेश के। जी थोड़ा संक्षेप में रखते हैं विनोद भैया जी, वो अपने खेतों में, मैं अपने बात को रोकता हूँ। जी 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 बढ़िया भैया, ठीक बात है। तो ऐसी बहुत सारी सूचना हमारे पास उपलब्ध है। अब हम देखिए हम व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर सकते हैं, है ना। तो हमारे जीने का एक अनिवार्य भाग है प्रकृति की व्यवस्था में भागीदारी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं।